इंदौर के गोमटगिरी से मध्य प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री और कांग्रेस समर्थक कंप्यूटर बाबा का अवैध कब्जा हटाने के बाद अब उक्त स्थान पर जल्द ही गौशाला का निर्माण होगा। इसके लिए कई समाज के प्रतिनिधियों ने सांसद शंकर लालवानी से मुलाकात कर अपने विचार रखे। कंप्यूटर बाबा का आश्रम धराशाही करने के साथ ही गौशाला निर्माण के लिए कई समाज जन आगे आने लगे हैं। इंदौर जैन समाज ने भी गोमटगिरी पर गौशाला निर्माण के साथ ही उसके संचालन की जिम्मेदारी लेने के लिए सांसद से मुलाकात की। समाज के लोगों का कहना है कि गोमटगिरी पर पहले से दिगंबर जैन समाज का मंदिर है, वहीं यहां समाज का स्कूल भी संचालित होता है। प्रशासन ने अवैध आश्रम को हटाने के साथ ही यहां नई गौशाला बनाने का फैसला किया है, लिहाजा प्रशासन गौशाला निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी जैन समाज को दी जाए। महामंत्री गोमटगिरी ट्रस्ट हूँ। आज गोमटगिरी ट्रस्ट के पास की कोई टेकरी को शासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया है, तो गोमटगिरी ट्रस्ट की यही रिक्वेस्ट है शासन से कि अगर मुक्त की जगह अगर शासन किसी को देता है तो गोमटगिरी ट्रस्ट को पहला प्रेफरेंस दिया जाए, क्योंकि ये दिगंबर जैनियों का बहुत बड़ा स्थान है और ये यहाँ पर हिंदुस्तान भर के दिगंबर जैन ही आते हैं यहाँ पर इस ट्रस्ट में। तो आप इस जमीन को देंगे तो यहाँ पर दिगंबर जैन ट्रस्ट गोमटगिरी गौशाला डालेगी, इसलिए हमें आपसे ये प्रार्थना है कि ये ज़मीन गोमटगिरी ट्रस्ट को दी जाए। हमने तो पहले भी शिकायत की है समाज जनों, नहीं शिकायत नहीं करी हमने, तो हमेशा मांग करी है कि हम गौशाला डालना चाहते हैं, हमें जगह दी जाए। हम गवर्नमेंट जैन ट्रस्ट ने कभी किसी की शिकायत नहीं करी। नहीं नहीं कोई शिकायत नहीं करी। नहीं नहीं हम लोगों को आपत्ति नहीं, हम अपना काम करते हैं, हम किसी की आपत्ति में नहीं जाते। इधर सांसद ने समाज के लोगों से मिलने के बाद आश्वासन दिया है। इसके अलावा सांसद शंकर लालवानी ने कंप्यूटर बाबा पर भी जमकर निशाना साधा। सांसद ने आरोप लगाया कि बाबा धर्म की आड़ में राजनीति कर रहे हैं, उन्हें विशुद्ध तौर पर किसी दल में शामिल हो जाना चाहिए। जो भी कार्रवाई की गई है वो प्रशासन ने नियमानुसार की है। जैन समाज का पूर्व में बहुत वर्षों से शिकायत रही है कि वहाँ पर गोमटगिरी तीर्थ स्थान है, जहाँ से देश विदेश के शहर के हजारों तीर्थयात्री जाते हैं जैन समाज के, लेकिन चूँकि वो उनके रास्ते में ही उनका आश्रम बना था और आए दिन उनके विवाद होते रहते थे, कई बार थानों में प्रशासन और जनप्रतिनिधि उन्होंने कंप्लेंट की है। आज वो चूँकि वो प्रशासन द्वारा वो जगह रिक्त की गई है, तो उन्होंने ये बात कही है कि हमें जो रिक्त जगह की गई है वो गौशाला के लिए दी जाए, वो उन्होंने मांग की है, तो उनकी मांग प्रशासन और सरकार के यहाँ पहुँचा देंगे। देखिए संत समाज धर्म का काम करता है, धर्म की पताका लेके आगे चलता है, समाज का नेतृत्व करता है, न कि वो राजनीति करना है। अगर किसी को राजनीति करना है तो शुद्ध रूप से किसी राजनीतिक पार्टी में आके राजनीति करना चाहिए। धर्म के नाम से धर्म बाबा बन के राजनीति करना ये कहीं उचित नहीं है और इसमें समाज और बाकी संतों की भी प्रतिक्रिया सकारात्मक आ रही है। नहीं ऐसा नहीं भाई, जो अगर किसी कोई गौशाला की जगह पे अगर इस प्रकार की बिल्डिंग बना लेगा तो निश्चित तौर पे प्रशासन अपना काम करे। जिस उपदेश के लिए जगह दी गई है उस उपदेश की पूर्ति होना चाहिए। लेकिन प्रशासन ने अपने स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें कहा है कि पर्यटन व्यक्ति जगह को विकसित किया जाएगा, नई गौशाला बनाई जाएगी, जिन समाज अपनी डिमांड रखता है गौशाला वो बनाएगा। देखिए बात एक ही है, बनाए कौन ये सरकार को तय करना, सरकार तय कर रहा है। चूँकि गोमटगिरी एक तीर्थ स्थान है जैन समाज का पूरा, वो चाहता है चूँकि विकसित गोमटगिरी को उन्होंने किया है, तो हम भी गौशाला जो सरकार चाहती है सरकार के नियमों के अंतर्गत जो जैसा वो चाहती है वैसा हम भी निर्माण करना चाहते हैं, ऐसा उनका सुझाव है, निर्णय सरकार को करना। गौरतलब है कि कांग्रेस समर्थक कंप्यूटर बाबा ने गोमटगिरी स्थित 80 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे रविवार की सुबह जिला प्रशासन की टीम ने जमींदोज कर दिया। फिलहाल इस स्थान पर जल्द ही गौशाला का निर्माण किया जाएगा। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।